आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कोरल ड्रा पर इस तरह के बेहतरीन डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने कोरल ड्रा ओपन कर रखा है। अभी हम सबसे पहले इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल दबा के रखना है, फिर अपनी वर्क एरिया पर एक सर्किल बना लेना है। इसके बाद शिफ्ट को दबा के रखना है, फिर इसको अंदर की तरफ छोटा करके राइट क्लिक करना है। अब दोस्तों इसके बीच में लाइन ड्रॉ करना है। इसके लिए अभी हम फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इधर देखिए, जैसे आप सर्किल के सेंटर में माउस को लेकर आएंगे तो यहाँ सेंटर शो होने लगेगा। यहीं से क्लिक करके कंट्रोल के साथ एक लाइन ड्रॉ करना है। इसी तरह नीचे भी लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करना है, फिर इसमें बाय डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर देना है। इसके बाद पिक टूल लेना है, फिर इस कलर वाले हिस्से को अलग उठा ले जाना है। बाकी बचे हुए सभी ऑब्जेक्ट डिलीट कर देना है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करना है और जस्ट राइट क्लिक करके छोड़ देना है। अब दोस्तों इसको नोट से उठाना है और इसी के नोट से मिला देना है। अब इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना है, फिर इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक करना है। अब इसको भी नोट से नोट तक मिलाना है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद इन सभी को सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल जी से ग्रुप में कर लेना है, फिर इसी पर एक बार और क्लिक करना है। इसके बाद कंट्रोल दबा के इसको रोटेट करना है, फिर राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद इन सभी को सेलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जी से ग्रुप में कर लेना है। अब इसमें जो कलर है उसे ब्लैंक कर लेना है। इसके बाद टूल बॉक्स के लास्ट में स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इन बॉक्सेस में बाय डिफॉल्ट कलर फिल कर देना है। इसके बाद पिक टूल लेना है। अब आपको ऊपर वाले सभी कलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऊपर देखिए, वेल्ड पर क्लिक करके मर्ज कर लेना है। अब दोस्तों इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट क्रिएट करना है। तो अभी हम F5 को प्रेस करके फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस तरह तीन लाइनें। अब कलर वाले हिस्से को छोड़कर ब्लैंक ऑब्जेक्ट डिलीट कर देना है। इसके बाद ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जी प्रेस करना है। इसके बाद इसी पर ड्रैग करना है। अब दोस्तों इसमें आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल के लिए ऊपर में येलो फिल कर देते हैं। इसी तरह नीचे में ऑरेंज फिल करते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसमें डार्क ऑरेंज फिल करना है। इसके बाद इन दोनों कलर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल जी से ग्रुप में कर लेना है। इसके बाद इसी पर एक बार और क्लिक करना है। अब इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ सेंटर में रखना है। इसके बाद कंट्रोल होल्ड करके इसको रोटेट करना है, फिर जस्ट राइट क्लिक करना है। इसके बाद कंट्रोल आर को बार बार प्रेस करके इसे रिपीट कर देना है। इसके बाद अंदर वाली लाइनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब इन सभी को सेलेक्ट ऑल करके ग्रुप में कर लेना है, फिर इसकी आउटलाइन को नन कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कलर के डिजाइन बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम और डिजाइन सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।